नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ गए हैं डोगरा जी की चौपाल में सतीश डोगरा, जो तमिलनाडु बैच के आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं और पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तमिलनाडु के। डोगरा जी, वेलकम टू आवर शो। अमरजीत, थैंक यू, ओवर टू यू। वेलकम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। पेशे खिदमत है कुश्ती है। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने टाइम दिया, और इन फ्यूचर हम चाहेंगे कि आप हिंदुस्तान से हमारे कनाडा की यात्रा कीजिए, ताकि हमारे जो रिश्ते हैं वो तो पहले से मजबूत है, जब यहाँ आएंगे और यहाँ के लोग जब आपको देखेंगे। घूमने आ जाऊंगा। क्या है ना, अच्छा, यात्रा नहीं, मैं बताता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र की अंतिम यात्रा हो गई। अरे राम राम, राम। जब से मुझे जो है ना यात्रा शब्द से थोड़ा सा डर लगने शुरू हो गया है। और दूसरा क्या है ना, आजकल यहाँ हमारे एक देश जोड़ो यात्रा चल रही है, तो अगर मैंने यात्रा इस्तेमाल किया तो आपके प्रधानमंत्री घबरा जाएंगे। कैनेडा यात्रा लेके आ रहा है, कैनेडा जोड़ो यात्रा, तो मैं घूमने आ जाऊंगा, घूमने के लिए आ जाऊंगा। घूमने आ जाइए सर, घूमने। ये देश जोड़ो यात्रा की बात की तो देश टूटा कहाँ है, कहाँ से जुड़ रहा है? देश तो टूटा नहीं है सर, ये कहाँ, और हिंदुस्तान कभी टूटेगा भी नहीं। हाँ, तो वो जो है ना, इसीलिए जो है मतलब थोड़ा सा मैं भी इस चीज को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस यात्रा का पर्पस है क्या, क्योंकि जैसे आपने कहा कि देश तो टूटा नहीं है, तो जोड़ना ना हिंदुस्तान ना कभी टूटेगा। हाँ, तो हम इस वीडियो में चलिए यही करते हैं आज की चौपाल में, कि ये जो यात्रा है इसका पर्पस क्या है, ये पर्पस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और इसका इम्पैक्ट जो है 2024 इलेक्शन पे क्या होगा जी। तो आज हम यहाँ पे चौपाल में यात्रा कर लेते हैं। चलिए, नहीं आप कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं क्या? Are you becoming astrologer? नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये थोड़ा दिमाग एक्सरसाइज करके देखते हैं ना। चलिए ठीक है सर जी। तो सबसे पहली जो बात मैं कहना चाहता हूँ ना, कि ये जो यात्रा है ये एक रिएक्शन है, यू नो, दिस इज ए रिएक्शन टू समथिंग व्हिच इज टेकिंग प्लेस, के कांग्रेस धीरे धीरे करके घुल रही है, सिकुड़ रही है, पिघल रही है, और उसके बहुत से नेता भी छोड़ के चले गए हैं, और उसके जो मतलब एक तरह की अभी से आप पार्टी जो है वो जो डेवलप हो रही है वो भी कांग्रेस के ही लोगों को वो अपने अंदर मिलाएगी, उसी तरह की उनकी पॉलिसीज हैं, उसी तरह की उनकी सारा है, तो उससे भी कांग्रेस को खतरा है, और कांग्रेस जो है एक के बाद एक स्टेट्स में उसको हार मिलती रही है, मतलब कई सालों से ये चीज सिलसिला चला रहा है। और उनके जो लीडर्स हैं बहुत से वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, अभी जो गुलाम नबी आजाद जो इतने बड़े लीडर थे, और कपिल सिब्बल वो भी चले गए, मतलब जो जिन लोगों ने अपना सारा कुछ कांग्रेस को दे रखा था जी, वो तक भी कांग्रेस को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और स्टेट्स में नेताओं की आपस में जो है लड़ाई भिड़ाई होती रहती है, दो जो इनके ग्राउंड वर्कर्स हैं उनसे भी इनका कुछ उस तरह का कनेक्ट नहीं है जो पहले हुआ करता था, तो काफी चीजें जो है कांग्रेस की बिगड़ी हैं, तो ऐसा लगता है कि उसका एक रिएक्शन है ये जो यात्रा है। तो उसमें मुझे थोड़ा सा ये हैरानी होती है कि इन्होंने इतना समय क्यों लगाया ये करने के लिए, मतलब पिछले 5-6 साल से धीरे धीरे ये ट्रेंड बन रहे हैं। अगर आप देखें तो अब ये स्थिति हो गई है, एक स्थिति थी कि जब कांग्रेस खुद ही कितनी ही स्टेट्स में पावर में आती थी, और आज स्थिति ये है कि जो रीजनल पार्टीज हैं वो भी कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो भी उसको अवॉइड करते हैं, जैसे अब यूपी के इलेक्शन में हमने देखा, बाकी जगहों पर देखा, तो काफी एक मतलब बहुत ही जो सिंकिंग शिप जैसी सी सिचुएशन है कांग्रेस की बन गई है। तो
ऐसी स्थिति में क्यों इन्होंने इतना वेट किया कोई स्टेप लेने के लिए, ये एक बहुत पजलिंग सी चीज है। और दूसरा जो मुझे थोड़ी सी हैरानी लगती है ना, वो ये है कि ये जो इनका रिएक्शन भी है वो भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। जैसे मैं तो जानना चाहूंगा, जैसे नवीन मैं आपसे जानना चाहूंगा, मान लीजिए आप कांग्रेस के नेता हैं और आप देखते हैं कि पिछले कई सालों से आप तो खुश हो गए कांग्रेस के नेता बन गए। मैं देखता हूँ अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन में आप भी यहाँ पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर सकते। सवाल है सर, आपने तो आपके चेहरे पे एकदम खुशी आई, तो मैंने सोचा कि अच्छा बताइए, अगर मान लीजिए आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं और आप देखते हैं कि आपका जो टाइटन है वो डूबता जा रहा है, तो आप क्या करते उस वक्त, क्या स्टेप्स लेते? सर आपने सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग पूछ लिया है, एंड इमीडिएटली इम्पल्सिवली मैं तीन या चार चीजें सोच सकता हूँ कि एक तो जो लीडर गए हैं कांग्रेस से, जितने भी लीडर मशहूर नामी गामी या ग्रास रूट के वर्कर के जो लीडर गए हैं, उनको एक तो उनका कॉन्फिडेंस विन करके उनको वापस बुलाया जाए। बहुत अगर, बहुत बढ़िया बात करी आपने। मैं तो इसका जो है ना, आई वुड लाइक टू रिएक्ट टू दिस, क्योंकि आपने जो है ना, यू हैव कॉट द जिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम कि अपार्ट फ्रॉम ब्रिंगिंग दैट बैक जो है ना, आप उनको ये एक फीलिंग दोगे कि यू आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। मतलब जब आप किसी को वापस लाते हो ना, जिसने आपको इतने अपने साल दिए थे, आपने उनको जाने दिया और आप कोशिश भी नहीं करते हो कि वो वापस आए, तो ये बहुत बड़ा एक, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करी कि सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि उन नेताओं को वापस लेके आओ। और अब ये क्या करते है? सर एक बहुत मेजर चीज है कि इनको एक ऐसा ग्राउंड ग्रास रूट कनेक्ट एस्टैब्लिश करना पड़ेगा वर्कर्स के साथ, ताकि वर्कर्स इनके साथ जुड़े रहें, प्रोत्साहन मिले, लीडरशिप वर्कर्स को जोड़े रखे अपने साथ। दूसरा मेरे दिमाग में यह है। तीसरा जो मैं अपने ओवर द टॉप अपने दिमाग से सोच के बोल रहा हूँ, जो स्टेट्स में इनकी बड़ी इंटरेस्ट जो फैक्शन है, बहुत सारी स्क्वाबलिंग चलती रहती है आपस में, झगड़े मतभेद पोस्ट को लेके, जो शायद जिनके 10 वोट भी नहीं है, जिनके जो 10 वोट भी नहीं खींच पाएंगे उनको, मैं सिर्फ कांग्रेस की नहीं कई पार्टियों की बात कर रहा हूँ, कि जिनकी लीडरशिप एबिलिटी नहीं है उनको ब्लॉक प्रमुख पोल कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाता है, जो 5 वोट भी नहीं ला पाएगा। एक तो ये। और सर लोकल लीडरशिप अगर कोई पार्टी ना बनाए, अब आप ये देखिए, आई मीन आई डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी, बट बीजेपी आप देखिए, बीजेपी आरएसएस ग्राउंड लेवल पे काम करती है और बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त और बहुत मजबूत काम जो जिसे काडर कहा जाता है ना, काडर कहते हैं। क्यों अमरजीत भाई? बिल्कुल क्योंकि अमरजीत से एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ जी। अमरजीत, अब नवीन की बात सुन के लगता नहीं कि ही इज फिट टू बी अ लीडर? 100% जैसे उसने नुक्ते बताए हैं काफी खोज की है आपने जरा। नहीं, एक और चीज है, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ। आजकल के जो लीडर है, मैंने अपने काफी साल, मुझे भी देखते होंगे, अगर किसी का फोन आता है तो पीए कह देता, कह दो कि बाथरूम में या वो जो पुराने जो बिजी है, बिजी हैं। क्यों अमरजीत जी, आपने और हमने तो बड़ी ध्यान से देखा हुआ ये चीजें, देख रहे आए रहे इतने साल से, थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट हो इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है ब्यूरोक्रेट। यू बी ना ब्यूरोक्रेट सर, आप भी ब्यूरोक्रेट रहे। ये जो है ना कंप्लेंट राहुल जी के बारे में काफी आई भी है कि अच्छा, वो मिलते नहीं, इट्स नॉट अप्रोचेबल। ये कंप्लेंट्स काफी आई हैं, तो यू हैव कॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो एक्सेसिबिलिटी है ना। या माय ऑब्जर्वेशन वाज इन जनरल, माय ऑब्जर्वेशन हां नहीं जनरल है। हाँ, नहीं देखो जैसे नवीन आपने कहा ना, आपने एक बड़ी अच्छी बात पहले कही थी कि यू आर टॉकिंग फॉर एवरी पार्टी। यहाँ पे जो है ना, वी आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी पर्टिकुलर ग्रुप। हम लोग तो जो बात करेंगे वो हर एक के लिए अप्लाई होगी ना, करेक्ट, न्यूट्रल। इसलिए व्हाट यू सेड वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक पार्टी में एक तो जो ग्राउंड लेवल पे कनेक्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक्सेसिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक नहीं होती, एक और चीज बताऊंगा कि द बीजेपी आई डोंट थिंक हैज अ, आई मीन आई हैव नथिंग अगेन, आई एम नॉट प्रोपगेटिंग एनी थ्योरी फॉर देम, बट
I don't think there is any party which can match them for miles at the national level, at least. And if there is a party which can, it's very healthy for our democracy. Correct. नहीं देखिए, जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, अगर उनको ये फीलिंग नहीं होगी कि वी आर इम्पोर्टेंट एंड वी मैटर टू दी पार्टी, तो तब तक वो एंथुसियाज्म खत्म हो जाता है ना. तो इसलिए जो व्हाट एवर पॉइंट्स यू हैव मेड, दे आर वेरी इम्पोर्टेंट. कि काडर को डेवलप करना, उनको साथ के लेके चलना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट. तो ऐसे में मुझे यही लगता है ना कि जब इस तरह से एक पार्टी को रीबिल्ड करने की जरूरत है, तो यहाँ पे एक यात्रा निकाली जा रही है. और यात्रा में क्या हो रहा है कि वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज बीइंग हाइलाइटेड, कि उसमें जैसे उन्होंने बारिश में खड़े होके भाषण दिया, तो वो उसका वीडियो जो है वो दिखाया जा रहा है. और वो मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं. तो वो ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग बैक द पार्टी, देयर इज एन अटेम्प्ट टू बिल्ड बैक द इंडिविजुअल. जैसे जो एक मैंने वीडियो भी देखा, उसमें हालांकि उन्होंने तो इसको पॉजिटिव एंगल में दिया था कि रीबिल्डिंग द राहुल ब्रांड. तो एक जैसे मार्केट में एक ब्रांड को रीबिल्ड किया जाता है, जब लगता है कि ये ब्रांड जो है इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो गई है, तो उसे रीबिल्ड किया जाता है. तो उस तरह से एक रीबिल्डिंग भी राहुल ब्रांड जो है वो करी जा रही है. तो मैं इसमें एक छोटी सी जो है ना, आपको अपनी एक इंटरप्रिटेशन देना चाहूंगा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, कि ऐसा क्यों है कि कांग्रेस में इस तरह से देखा जाता है कि नेहरू फैमिली जो है वही इनका सब कुछ है, वो इम्पोर्टेंट. तो वो मैं इस तरह से हिस्टोरिकली देखता हूँ. थोड़ा सा यू टेल मी वेदर माय एनालिसिस इज करेक्ट. थोड़ा डिटेल में जाना चाहूंगा. देखिए जैसे क्या हुआ ना, अब जैसे क्या है कि एक तरह का इम्प्रेशन ये बन गया कि हाँ ये राज परिवार है, और राहुल गांधी जो है वो राजकुमार है, और ये एक वंश है. इस तरह की जो फीलिंग क्यों डेवलप हुई, जो कई लोग तो उसको तंज के तौर पे भी कहते हैं, क्राउन प्रिंस ये वो, तो एक तरह से पब्लिक इमेजिनेशन में उस तरह की चीज बिल्ड हुई है इस परिवार के बारे में. वो चीज क्यों बिल्ड हुई, क्योंकि नेहरू तो राजा नहीं थे, तो ऐसा क्यों हुआ कि नेहरू परिवार जो है वो राज परिवार बन गया. तो मैं उसको ऐसे ट्रेस करता हूं कि जब 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो क्या था कि हमारे देश में आजादी का और डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इंट्रिंसिक नहीं है, अनलाइक द वेस्ट. इंट्रिंसिक आप हमारे श्रोताओं के लिए इंट्रिंसिक का मतलब क्या हुआ? इंट्रिंसिक मतलब अंदर से डेवलप नहीं हुआ ना. जैसे एक पौधा है जो देश में उगता है, एक जो है बाहर से ला के लगाया जाता है. अब जैसे वेस्ट में तो क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, वहां पे वो हुआ एक जैसे कई तरह के उसमें ऑथर्स से थे, कई तरह के जैसे रूशो, वॉल्टेयर, जॉन लॉक, इस तरह के बहुत से लोगों ने इस फिलॉसफी को डेवलप किया. फिर इंग्लैंड में बहुत से जैसे वो मतलब चर्च में उन्होंने जैसे वो करा, एक इंडिपेंडेंस गेन करी, इस तरह की चीजें वहां पे हुई. तो यहाँ हमारे क्योंकि उस तरह का नहीं था, तो जो ये जो कॉन्सेप्ट्स थे बाहर से आए. तो हमारा अगर आप देखें ना, एक आजकल बड़ा पॉपुलर सब्जेक्ट है कल्चरल साइकोलॉजी, जो मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है, कि अगर आप हमारी कल्चरल साइकोलॉजी देखेंगे ना, तो आप इमेजिन करके देखिए कि कुछ पढ़े लिखे लोगों को अगर आप छोड़ दें, तो जो कॉमन रन ऑफ पीपल थे, गांव में रहते लोग जो अनपढ़ और आधे पढ़े हुए, वो उन्होंने एक ही मॉडल देखा था, वो था राजा का मॉडल, किंगशिप. मतलब सबसे ऊपर एक बादशाह है, उसके नीचे राजा हैं, फिर छोटे राजा, फिर उनसे छोटे राजा, फिर उनसे छोटे राजा, फिर उसके बाद जमींदार, फिर उससे छोटा जमींदार. तो मतलब हर लेवल पे एक किंगशिप प्रिंसिपल था, जो कि हमारी भाषा में भी रिफ्लेक्ट होता है. जैसे कि हम कहते हैं कि आप तो माई बाप हैं, आप तो मालिक हैं, आप तो भगवान हैं, आप तो प्रभु हैं, आप अन्नदाता हैं. तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना राजा का, वो हमारे कल्चर का एक भाग रहा है. तो उसी कल्चर के इस भाग में क्या हुआ कि जब व्हेन देयर वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया,
तो उसमें अब लोग किस तरह से देखते हैं कि हाँ एक राजा चला गया अब दूसरा राजा आ गया, और नेहरू जो जो थे वो हैंडसम भी थे, पढ़े लिखे भी थे, सोफिस्टिकेटेड भी थे, और उन्होंने बहुत बढ़िया काम भी किया, देश को बहुत आगे बढ़ाया, बहुत सी इंस्टीट्यूशंस बनाई। तो हुआ क्या कि वो जो लोगों के माइंड में जो एक राजा का इमेज था उसमें वो फिट हो गए कि ये हैं अब देश के राजा। एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब राजीव गांधी थे तो वो एक बार इसी तरह से गए, तो उन्होंने एक किसी कुटिया में वो गए होंगे अपने लोगों के साथ, वहां पे एक बुढ़िया माई थी, तो प्रेस वाले ने पूछा कि अम्मा ये कौन है, तो उसने कहा कि मुल्क का बादशाह। तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना मुल्क का बादशाह, वो हमारे गांवों में और उसमें मतलब लोगों के दिमाग में वही बसा हुआ है। तो इसलिए क्या हुआ कि नेहरू जी, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, तो वो एक वंश बनना शुरू हो गया जिसमें कि लोग भी कंफर्टेबल थे, क्योंकि उसमें खींचातानी नहीं होती थी, क्योंकि जब भी बीच में कभी दूसरी सरकारें आई तो उससे खलबली मची, और वो साल में, डेढ़ साल में, दो साल में वहां से निकल ली, क्योंकि उनकी आपस में स्ट्रगल्स, और तो एक जो स्टेबिलिटी इस वंश ने दी हमारे देश को, उसके चलते क्या हुआ कि लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। मतलब हमारे देश में डेमोक्रेसी और मॉनार्की का एक मिक्सचर सा ऐसा बन गया जिसमें ये था कि इस परिवार से चुनेंगे लेकिन वोटें डाल के चुनेंगे जी। तो वो जो एक वाया मीडिया टाइप सा बना लिया हमारे लोगों ने, तो वो चीज जो है चलती रही। लेकिन उसमें क्या है, अब ये भी चलता रहता, उसमें चलता रहना था, लेकिन उसमें फिर एक प्रॉब्लम क्या आ गई कि जब राजीव गांधी जी की डेथ हुई तो उस वक्त फिर ये जो राहुल गांधी है वो उम्र में बहुत छोटा था, इस तरह का मतलब नहीं था इतना कि वो प्रधानमंत्री बन सकता, तो वो स्थिति बन गई जैसे 1556 में बनी थी ना, हुमायूं की डेथ हो गई और अकबर जो था वो 13 साल का था, तो अकबर की जगह पे फिर रूल किसने किया, बैरम खान ने जी, उसके नाम पे, अकबर के नाम पे बैरम खान ने रूल किया। बाद में अकबर जो है वो उसने टेक ओवर कर लिया और वो बन गया अजीम ओ शान शहंशाह, और करते करते उसकी ख्याति जो है बॉलीवुड तक पहुंच गई। मतलब उस आदमी की अचीवमेंट इतनी जबरदस्त हुई कि वो बॉलीवुड तक भी पहुंच गया। तो लेकिन राहुल गांधी के साथ क्या हुआ कि 2004 में इलेक्शन, 2009 में इलेक्शन, 2014 में इलेक्शन, लेकिन उस तरह की जो एक चमक दिखनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं दी। तो एक ऐसी स्थिति सी बन गई जिसमें कि कांग्रेस वालों को फिर ये प्रिंसिपल एक तरीके से थोपना पड़ा कि नहीं, ये राज परिवार है, राज परिवार का बंदा ही राजा बन सकता है। तो उसका एक क्लासिकल इंस्टांस वो हुआ जब राहुल गांधी ने स्टेज पे खड़े होके और मनमोहन सिंह के इशू किए हुए एक ऑर्डिनेंस को फाड़ा। तो एक तरीके से उस ऑर्डिनेंस को फाड़ना जो है वो इस सिद्धांत की वो थी, मतलब एक जो है ना क्या कहते हैं, एम्फसाइजिंग दिस प्रिंसिपल कि प्रधानमंत्री या मान लीजिए राजा तो राज परिवार से ही बनेगा। तो मनमोहन सिंह चाहे मान लीजिए प्रधानमंत्री भी हैं तो भी उनके ऑर्डिनेंस को जो राज परिवार का सदस्य है वो शरेआम सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ सकता है। तो वो चीज जो थी वो सिद्धांत। अब उस स्टेज पे क्या हुआ कि मोदी जी आ गए और वो एक और सिद्धांत लेके आ गए। वो क्या सिद्धांत लेके आगे आए कि उन्होंने ये कहा कि राजा वो नहीं होगा जो राज परिवार से होगा, राजा वो होगा जिसकी 56 इंच की छाती होगी। वो 56 इंच की छाती का सिद्धांत ले ठीक है। तो आप कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, सही कह रहे होंगे। तो जब वो 56 इंच की छाती वाला जो सिद्धांत जब आ गया तो फिर लोगों ने देखा, इधर भी देखा और उन्होंने कहा कि हाँ फर्क तो है।
पर्सन मेरिट मेरिट भी कुछ चीज होती है सर। नहीं वही तो छप्पन की छाती जो है ना, हम मेरिट वही तो मेरिट है ना, वही मेरिट है। छप्पन की छाती जो है ना वो एक मैनर ऑफ सिंबॉलिक सिंबॉलिक है ना, दैट इज सिंबॉलिक, मतलब दैट्स अ मैनर ऑफ स्पीच कि एक ऐसा आदमी जो डिसीजन ले सकता है। तो आप अगर देखें तो मोदी जी ने बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए, उन्होंने तो वो तो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं सीधे, बताइए अमरजीत से पूछते हैं, अमरजीत बताओ कौन कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक करी मोदी जी ने। सर्जिकल स्ट्राइक से अब उन्होंने तो आए दिन काफी स्ट्राइक्स किए जी, बताइए बताइए कुछ याद आती है। अब पहला तो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया बहुत ही, जो शायद कोई भी ना करता, हाँ वो शायद कोई भी ना करता, और कोविड से रिलेटेड है या नोटबंदी है, मतलब ये इस तरह की जो स्ट्राइक्स हैं, या पर नोटबंदी को, पर अमरजीत नोटबंदी को लेकर तो देर आर लॉट ऑफ कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस कि नोटबंदी पता नहीं अच्छी थी या गलत थी, ये तो आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट सो आई, अब ये तो वो मुझे लगता है वी कैन मेक दैट अ डिफरेंट टॉपिक। ओके, क्योंकि उसमें क्या होगा ना, अगर हम नोटबंदी पे यहाँ बात करेंगे, उसमें जो अमरजीत की बात मुझे समझ आ रही है ना, नोटबंदी की उसने क्यों बात करी, सवाल ये है टेकिंग डिसीजंस, करेक्ट, हाँ जी, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक जो है ना वो फेल भी हो सकती है, पार्शियली सक्सेसफुल भी हो सकती है, और बिल्कुल सक्सेसफुल भी हो सकती है। मतलब ये है कि जो आदमी सर्जिकल स्ट्राइक करता है, मतलब 56 इंच की छाती का जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो क्या है कि एक नेता जो अगर महसूस करता है कि ये स्टेप लिया जाना चाहिए तो वो फिर ठिठकता नहीं है। करेक्ट, सी दैट इज ग्रेट क्वालिटी, यू नो। तो अब जैसे अमरजीत ने बताया कि बहुत सी चीजें, अब ये जैसे पाकिस्तान वाला ही था जी, तो इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए वहां पे, बॉम्बे में एक होटल पे अटैक हुआ वो जो 26/11 वाला, और ऐसी चीजें हुई, और उस वक्त के जो प्रशासक थे उन्होंने इतनी वो जो है वो 56 इंच की छाती का उन्होंने वो नहीं उस वक्त मुजाहरा किया, उसका प्रदर्शन नहीं किया। तो ये एक चीज जो है ना, ये आज भारतीयों को जो इम्प्रेस करती है, जिस वजह से जो एक वो जुमला कहा जाता है ना कि मोदी है तो मुमकिन है, वो जो चीज है मोदी है तो मुमकिन है। और अमरजीत बहुत सी चीजें हैं, मैं करना चाहूंगा जो जी, जी, तो सोचो कुछ और सोचो, व्हाट अबाउट 370 जो इतना बड़ा एक स्टेप, बिल्कुल ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक, ये बहुत बड़े जो बड़े बड़े, तो ये सारी मोदी जी की सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं। तो मैं इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा था और इसलिए 56 इंच की छाती की बात कर रहा था, क्योंकि अब क्या हुआ है ना, दो चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं। एक तरफ वो नेता जो कि अपने परिवार के, अपने वंश के आधार पर क्लेम करता है या उसकी पार्टी क्लेम करती है लीडरशिप, और एक वो नेता जो कि जिसके साथ लोग सिक्योर महसूस करते हैं कि वो जो चीज है कि मोदी है कि तो मुमकिन है। कुछ जो चीजें मोदी जी ने करी है ना, जैसे अब इतना बड़ा, अच्छा इसी तरह से एक और चीज जो है जो हमारी इन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो पोजीशन चेंज हुई है, मतलब जिस तरह का अब गौरव भारत को मिलता है एट द इंटरनेशनल लेवल, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें जो है, तो सर पहले गौरव नहीं मिलता था क्या भारत को? देखो पहले जो भारत का इमेज था वो तो इतना अच्छा नहीं था, एवरीबॉडी नोस, हालांकि ये है कि पहले भी धीरे धीरे करके जैसे अब आईटी सेक्टर वगैरह में इंडिया ने तरक्की करी, लोगों ने देखिए ये एक आदमी के एक इंडिविजुअल पे तो आधारित नहीं होता ना, बहुत सी चीजें होती हैं, बट देन व्हाट हैपेंस इज यू नो एक आदमी की पर्सनैलिटी होती है जिससे लोग इम्प्रेस होते हैं। तो अच्छा मैं नवीन आपसे पूछता हूँ, जैसे आपने ये क्वेश्चन रेज करा, तो आई थिंक यू प्रोबेबली have a difference of opinion, so let me ask you कि क्या आपको लगता है कि मोदी जी के आने के बाद भारत की जो पकड़ है चीजों पे इंटरनेशनल लेवल पे वो बड़ी है? Would you agree with that? You can say that, and whether I agree or I don't agree, but it is a general perception. पर मैं ये सोचता हूँ कि अगर कहीं बड़ी है तो कहीं घटी भी है काफी मायने में, उसके डिफरेंट एंगल्स भी हैं, है ना। जैसे अभी आपने विदेश नीति की बात की कि हाँ भाई बाकी इंटरनेशनली राइज हुआ है, और उस बात मैं जब स्पीचेस सुनता हूँ जयशंकर जी की, तो उसमें जो उनकी जो बोल्डनेस नजर आती है,
तो वो बोल्डनेस अगर मैं कहूं तो पीछे की जो जो 56 इंच सीने वाली बात है वो वहां रिफ्लेक्ट होती है कि हाँ वेरी नाइस वेरी गुड पॉइंट बाय अमरजीत वेरी वेरी गुड पॉइंट बाय अमरजीत नॉट ओनली दैट अमरजीत बहुत बढ़िया आपने बात करी है वो जो पीछे का जो एक सपोर्ट होता है ना वेरी सब जगह वो सभी जगह काम करता है करेक्ट अब आज आज मान लीजिए कि अगर आर्मी जो है कुछ चीजें करने के लिए तैयार हो जाती है तो पीछे से वो सपोर्ट है तो वही जो चीज एक 56 इंच की छाती की हम बात करते हैं ना और वो जो चीज है कि मोदी है तो मुमकिन है वो चीज है जो देश को एक सिक्योरिटी की फीलिंग देती है कि अगर कोई क्राइसिस बनता है एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं हम हालांकि अपने सब्जेक्ट से हट रहे हैं बट आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट गो अहेड सर गो अहेड जैसे देखिए चीन के प्रेसिडेंट आए और उनको मोदी जी जो है गुजरात में लेके गए वहां पे बड़े अच्छे ढंग से एक स्वागत किया वहां पे झूले पे बिठाया सब कुछ करा इस बीच में चाइनीज आर्मी जो है वो क्रॉस बॉर्डर क्रॉस करके आ गई बिल्कुल और तब अगर आपने नोटिस करा हो मोदी जी का एटीट्यूड एकदम बदला और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि दिस इज नॉनसेंस एंड इट विल नॉट बी टॉलरेटेड अगर आप उन दिनों के वीडियो निकाल के देखेंगे तो अच्छा एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ शुरू शुरू में अभी जब शायद वो प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे या मुझे ध्यान नहीं है एक मीटिंग हुई थी जिसमें एक जगह बम फट गया था तो कोई भी और दूसरा नेता होता तो मीटिंग को बीच में छोड़ के चला जाता क्योंकि उस वक्त पॉसिबिलिटी थी कि वहां पे और भी बहुत से बम होते और कुछ और भी हो जाता तो उन्होंने उस मीटिंग को कंप्लीट किया तो ये जो एक चीज होती है ना एक जो डेयर डेविल टाइप का जो एक चीज जरूरी है एक यही चीज इंदिरा जी में थी इंदिरा गांधी जो थी उसे क्यों उनको हम क्यों दुर्गा माता कहते हैं जो चीज कुछ हद तक नेहरू जी में लैकिंग थी जिस वजह से कुछ देश की समस्याएं बनी तो नेहरू जी जो थे वो ठिटक जाते थे सो मच सो कि ये जो इवन जो ऑपरेशन पोलो हुआ था इसमें हैदराबाद में तो वो भी सरदार पटेल ने किया अगेंस्ट मोदी जी अगेंस्ट नेहरू जी विशेष तो एक जो चीज मैं सोचता हूँ ना बहुत बड़ा जो एक गुण मोदी जी में है चलिए हम अपने सब्जेक्ट पे फिर वापस आते हैं तो काफी काफी चीजें हैं जो डिस्कस करने वाली काफी ब्रांचेस निकल जाती हैं बातों में बातों में पर अभी तो जी ना उसमें जो है ना मेरा मेरा काम ये है कि आपको फिर से वापस लेके आप अपनी यात्रा जारी रखिए सर हाँ ठीक है तो उसमें जो है ना उसमें अब ये है कि अब ये जो राहुल जी की यात्रा है ये कितना उसमें काम कर पाएगी ये पता नहीं है लेकिन आई एम नॉट वेरी होपफुल ऑफ दिस गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स क्योंकि एक तो पहली बात ये है कि जो कुछ भीड़ें आ रही हैं वो तो वैसे ही बहुत से लोग हैं जो एंटी मोदी हैं एंटी बीजेपी हैं और वो तो इस तरह की चीज में आ ही जाएंगे उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दूसरी जो बात बहुत बड़ी है इस वक्त मैं सोचता हूं कि राहुल जी को अगर वो इस तरह से अपनी सपोर्ट बिल्डअप कर लेते हैं ना तो उसके बाद उनको फॉलो अप करना पड़ेगा क्योंकि उनके खिलाफ जो उन्हीं के अपने लीडर ही कहते हैं कि ही इज वेरी कैशुअल जैसे गुलाम नबी आजाद जी ने जो कि बोलते नहीं है गुलाम नबी आजाद जो है ना बहुत मतलब बहुत ही मैच्योर और ऐसे नेता हैं जो बहुत नबी तुली बात करते रहे हैं तो उन्होंने जो कहा कि ही इज वेरी कैशुअल और एक जो चीज राहुल जी के बारे में अक्सर कही जाती है कि ही सिंपली डिसअपीयर्स कोई बड़े क्रूशियल चीज होती है यहाँ पे मान लीजिए इलेक्शन होने वाले हैं और वो कहीं और चले जाते हैं तो ये सारी चीजें जो है थोड़ा उनके कार्डर्स को भी कंफ्यूज करती हैं और जनता को भी कंफ्यूज करती हैं क्या देश की बागडोर ऐसे किसी आदमी के हाथ में दी जा सकती है उस तरह के क्वेश्चंस भी रेज करने शुरू कर देती हैं तो अभी जो एक इंटरेस्टिंग चीज चल रही है वो ये है कि दो चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं विच इज वेरी अनयूजुअल एक तरफ तो यात्रा हो रही है जिसमें कि फोकस राहुल जी पे है दूसरी ओर ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस एक शुरू हुआ है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वो एक और प्रोसेस चल रही है तो अब ये दोनों प्रोसेसेस कैसे इंटीग्रेट होंगी दैट इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि अब अगर मान लीजिए जैसे ये खड़गे जो हैं वो कर रहे हैं एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं शशि थरूर जी कंटेस्ट कर रहे हैं इनमें से खास करके शशि थरूर जो हैं वो तो बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी के हैं
तो अगर वो जीत जाते हैं तो क्या वो अपना पोटिस पुट डाउन कर पाएंगे, क्या ऐसी चीजें होंगी। तो मुझे लगता है कि ये जो यात्रा का रिजल्ट है, जो हमने शुरू में क्वेश्चंस रेज किए थे कि इसका पर्पस क्या है और क्या ये अपना पर्पस अचीव कर पाएगी यात्रा, और अगर पर्पस अचीव कर पाती है तो 2024 के इलेक्शन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे 2024 के इलेक्शन में ये लगता है कि अगर यात्रा सक्सेसफुल होती है तो इट कुड इवन बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर द कांग्रेस, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें फिर ये थोड़ी सी अड़चन बन जाएगी फिर से। मतलब वही जो एक वो है ना, एक तरफ पंच, दूसरी तरफ एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो बाकी पार्टीज में चलती है या बीजेपी में चलती है, तो वो प्रोसेस फिर से थोड़ी सी बैक सीट में जा सकती है या उसको एक, तो मुझे लगता है कि इस तरह की एक स्थिति डेवलप हो रही है। और मैं अपनी बात को इस बात पे कंक्लूड करना चाहूंगा कि हम भारतीय तो यही चाहेंगे कि सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खास करके जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो पावरफुल बने। और हालांकि मैं पर्सनली मोदी जी का फैन हूँ, मुझे लगता है कि उनके हाथों में देश सिक्योर है, दैट्स माय पर्सनल फीलिंग। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेसी में सभी पार्टियां जो हैं उनका अपना अपना एक रोल है जी, और अगर ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं होती है, और खास करके एक नेशनल पार्टी होनी चाहिए जो स्ट्रांग हो, बजाय इसके कि एक कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ रीजनल पार्टीज बन जाए, तो इस तरह की स्थिति बने वो हमारी इच्छा रहेगी। सर देखिए, आप लोग बताइए अपना व्यू। सर देखिए, हमारा व्यू पॉइंट तो न्यूट्रल है, हमारे पास तो जो गेस्ट आते हैं, जो आप जैसे दिग्गज आते हैं, ज्ञानी आते हैं, बिल्कुल हमारा फर्ज है कि लोगों को तक बात सीधी सीधी पहुंचा दी जाए। किसी को मिर्च मसाला लगाना है वो लगाए, ना लगाना ना लगाए। पर अमरजीत और मेरा ये रहता है कि हम, जैसे आपने इतनी अच्छी बात करी, आई थिंक द ऑडियंस विल लाइक योर पर्सपेक्टिव एंड वी शुड कंटिन्यू डोगरा जी की चौपाल मोर ऑफन। अमरजीत बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारे ये मैं कहूंगा हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी इस प्लेटफॉर्म पर डोगरा साहब जैसे यू नो शख्स की आमद हुई और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और अपने व्यूज शेयर किए आप सभी के सामने, हमारे दर्शकों के सामने। मैं डोगरा साहब के बारे में जितना मैं समझ सकता हूँ, उनका वो हरफन मौला है और उनकी जो पकड़ है काफी सब्जेक्ट्स में, वो इस तरह से मैं एक ही लाइन कहूंगा कि वो चलते फिरते इंस्टीट्यूशन है हमारे। सो मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसी काफी बातें, काफी विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे डोगरा साहब से। डोगरा साहब की जो चौपाल उसमें हम धमाल करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। जाते जाते ये तो बताएं कि अगला शो कौन से पॉइंट पे करना चाहिए। मुझे यही लग रहा था कि अब जब हमने राहुल जी के बारे में बात कर ली है तो अब मोदी जी के बारे में बात करनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि जो देश का माहौल है ना, उसमें एक तरह का क्लीवेज हो रहा है, मतलब डिविजन बन रहा है बड़ा स्ट्रॉन्ग, कि एक तरफ एक ग्रुप ऐसा बन रहा है जो चाहता है कि मोदी जी फिर से वापस आए और बड़ी स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी के साथ वापस आए, और मतलब ये समझ लो कि मोदी ही हो, ये उनका लगता है। और एक ग्रुप ऐसा है जो चाहता है मोदी गो। तो ये तो आपने बड़ा सॉलिड एक्रोनिम निकाला, मोदी हो मोदी गो। मुझे लगता है कि मोदी हो मोदी गो, इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम अगली बार बात कर सकते हैं। ये जो आपने टाइटल निकाला, अगली बार मेरे को लगता है अमरजीत अपना थंबनेल इसी पे बनाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, पक्का पक्का। Well, जो आगामी हमारे चुनाव हैं 2024 वाले, उसमें ये तो डिपेंड करता है पार्टीज के ऊपर कि भाई कौन कितना अच्छा काम करता है। जो हमारे जनाब राहुल साहब हैं उनके साथ कितने लोग जुड़ते हैं, यात्राएं तो काफी लोगों ने पहले भी की और काफी हद तक सक्सेस भी रही, उनमें मैं लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात करूंगा या सुनील दत्त साहब की बात करूंगा। वेरी वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। तो अब ये है कि भाई आज के बाद या अब के बाद या जब से राहुल साहब की जो यात्रा शुरू हुई है, पदयात्रा शुरू हुई है, उसके बाद वो कितना लोगों को जोड़ पाते हैं, देश को जोड़ पाते हैं, अपनी पार्टी को जोड़ पाते हैं, मतलब कितना उसमें है ना, जान फूंक पाते हैं या अपना विश्वास जता पाते हैं उन सभी में, कि एक परिवारवाद
या एक तरफ जैसे कि आपने कहा कि राहुल गांधी ही हाईलाइट हो रहे हैं, वो बाकी कहाँ हैं, या उनको साथ लेके चलते हैं नहीं चलते, आपने जो अभी कहा कि फॉलोअप, या इसके बाद मोदी साहब का जो रिएक्शन होता है, काम होता है, वो पार्टी के लिए कितना अच्छा होता है, तो वो डिपेंड करता है कि भाई कहाँ जाके रुकेगी बात, कौन कहाँ ठहरता है, ठीक है ना। तो हम जी आज का ये जो कार्यक्रम है, जो हमारी डोगरा साहब की जो चौपाल है, उसको हम अपनी धमाल के साथ समाप्त करते हैं और आगे के लिए सोचते हैं कि हम जब भी मिले तो और अधिक विषयों पर बात हो और अच्छे से please, बात हो। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें और जो एक्सपीरियंस है हमारे जो आर्ट से हैं, गेस्ट आते हैं, उनके सभी के साथ पहुंच सके। नमस्कार जी, थैंक यू।